चोर भी अगर किसी के घर पर चोरी करता है तो बिना बताए करता है, लेकिन आजकल हमारे देश में यानी भारत देश में बता बता कर इस तरह से घर में डाका डाला जा रहा है, जिसके बाद ये सोचने पर शख्स मजबूर हुआ जा रहा है कि आखिर पहले जब हम किसी के गुलाम हुआ करते थे तब भारत में और आज के भारत में, आजाद भारत में आखिर फर्क क्या रह गया है। चोरी छुपे जो भी चोरी करता था, लेकिन आज जिस तरीके से दिन दहाड़े बता बता कर डाके डाले जा रहे हैं, वो अपने आप में ही सवालिया निशान खड़े कर देता है। और अब तिरंगे के नाम पर जो धंधा शुरू कर दिया गया है, तिरंगे के नाम पर जेबें भरने का जो काम शुरू कर दिया गया है, उसको लेकर अब हर कोई चिंता जाहिर कर रहा है। तिरंगे के नाम पर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, तिरंगे के नाम पर लोगों का राशन काटा जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए भारत को आजादी दिलाई गई थी महापुरुषों के द्वारा? क्या ये दिन भी अब आजाद भारत में देखने को मिलेंगे कि अगर खाने का खाना नहीं होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपके आका का हुक्म है इसीलिए तिरंगा खरीदना ही पड़ेगा, वरना आपको राशन नहीं दिया जाएगा। आपको जो राशन का सहारा है, जो आपका मौलिक अधिकार है, जो अधिकार आपको संविधान देता है, जो सरकारी योजनाओं के तहत आपको मिलता है, उस राशन पर भी अब ये कुंडली मारकर ऐसे बैठे हैं जब तक जो ये नहीं चाहेंगे वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको राशन भी नहीं मिलेगा। राशन के सहारे कुछ लोगों के घर जलते हैं, कुछ लोगों के यहाँ चूल्हा चलता है, उसमें खाना बनता है, लेकिन उस राशन को अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? अगर आप तिरंगा नहीं खरीदेंगे तो आपका राशन जो आपको 5 यूनिट मिल रहा है उसमें से 5 किलो हटाकर आपको सिर्फ 4 यूनिट थमा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपके तिरंगे के लिए ये 1 यूनिट काट दिया गया है। अब उसके दिल पर क्या गुजरेगी जिसका महीने के राशन में से कुछ कम हो गया हो? उसके दिन 5 दिन खाना नहीं बनेगा उस राशन अगर काट लिया गया है। आपकी देशभक्ति पर सीधा सीधा सवाल खड़े हो जाएंगे अगर आप तिरंगा नहीं लेते हैं। आप देशद्रोही, गद्दार और पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या नामों से आपको नवाज दिया जाएगा। क्या हम आजादी की जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं वो किसी पर एहसान कर रहे हैं, या फिर गरीबों के मुंह से निवाला छीन कर झूठी अपनी शान को जो ऊंचा रखने की कोशिश है वो की जा रही है? लक्ष्य तो दे दिया गया है सभी को कि इतने तिरंगे फहराने हैं, इतने तिरंगे फहराने हैं, इतने यहां पर जाने हैं, इतने वहां पर जाने हैं, लेकिन क्या ये सोचा गया है कि उन तिरंगों को खरीदने के लिए क्या उन लोगों के पास पैसे हैं? जो तिरंगा आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, अगर यही आप फ्री में बांट रहे होते, फ्री में दे रहे होते, तो आज शान से हर भारतीय तिरंगा फहरा रहा होता। और हालांकि सबके लिए मजबूरी नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास मजबूरी है उसको अगर सरकार नहीं समझ रही है तो ये सरकार की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरीके से जो योजनाएं अपने जो है फायदे के लिए लाई जा रही हैं, अपने फायदे का अपना नाम ऊंचा करने के लिए, उसमें आम जनता को किस तरीके से पीसा जा रहा है और उनके राशन को भी अब जब्त किया जा रहा है तिरंगे के नाम पर। आजाद भारत में आज से पहले कभी आपने ये नजारा देखा था कि अगर तिरंगा नहीं लेते हैं तो आपको खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा जो आपको सरकार की तरफ से मिलता है? अब ये नौबत आ गई है। दोस्तों, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा जो पहल की गई है बात कर रहे हैं हम हर घर तिरंगा योजना की, जिसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा, हर घर में तिरंगा रोशन होगा, तिरंगा फहराना अनिवार्य होगा। लेकिन ऐसे में अलग अलग जो तस्वीरें निकलकर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से आ रही हैं, वो इस पूरी की पूरी योजना पर ही सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिर तिरंगे के नाम पर ये राजनीति कब तक चलेगी? अमृत महोत्सव के साथ 75वीं वर्षगांठ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, डीपी पर तिरंगा लगा दिया है, पीएम के इस आह्वान का विपरीत असर भी नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर अधिकारियों ने राशन डीलरों को आदेश दे दिया है कि जो व्यक्ति 20 रुपए का तिरंगा नहीं खरीदेगा उसे डीलर राशन नहीं देगा। यानी तिरंगा या राशन, राशन या तिरंगा, ये वाली राजनीति चल रही है। जो कोटेदार राशन दे रहे हैं बिना तिरंगा जो नहीं ले रहे हैं, उनसे ऊपर वाले अधिकारी अब उन पर चाबुक चला रहे हैं कि बिना तिरंगा अगर उसने नहीं लिया है तिरंगा तो तुमने राशन कैसे दे दिया, और तिरंगा नहीं तो राशन नहीं। अधिकारियों के साफ आदेश हैं कि हर डीलर को 168 झंडे बेच घर घर राशन के साथ तिरंगा भी भेजना है, मजबूरी में करना है,
रो के करना है, गा के करना है, कैसे भी करना है, एक डीलर को 168 तिरंगे बेचने ही बेचने हैं और एक तिरंगा 20 रुपए का। बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए और जोड़ लीजिए जितने लाख तिरंगा फहराने का ये लक्ष्य रखा गया है उसमें कितना बजट सरकार के खाते में जाने वाला है और ऊपर से आपका राशन जो कटेगा वो अलग। वही सोशल मीडिया पर करनाल हरियाणा जिले के हिमदा गाँव का एक तथाकथित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर गरीब इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जबरन तिरंगा झंडा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी सांसद जो खुद बीजेपी से आते हैं वरुण गांधी, उन्होंने ट्विटर पर एक वायरल वीडियो जो ये हरियाणा का बताया जा रहा है इसको साझा करते हुए अपनी सरकार को ही घेर लिया है, अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, अपनी सरकार पर निशाना साधा है कि देखिए आज आजाद भारत में ये तस्वीर भी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ ना बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को या तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उनके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है। हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीन कर वसूलना शर्मनाक है। जब बीजेपी के सांसद ही इस पूरी जो है अभियान चलाया गया उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि अभियान जो चलाया गया बहुत अच्छा अभियान चलाया गया, हर घर तिरंगा सबको फहराना चाहिए और शान से फहराना चाहिए, गर्व है हमें कि हम भारतीय हैं और हम उस तिरंगा झंडा को अपने जो है देश का झंडा गर्व से कहते हैं, लेकिन जब ये गर्व आपकी मजबूरी बन जाता है और जब सरकार इसे आप पर थोपने लग जाती है तब हर गरीब के मुंह से सिर्फ और सिर्फ आह निकलती है। वो खुशी से फिर झंडा नहीं फहराएगा, उसके लिए मजबूरी बन जाएगा। फिर इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो निकल कर सामने आएंगी कि एक डीलर को 168 तिरंगे बेचने हैं, उसके बाद दूसरा उसके ऊपर बैठा हुआ है उसको उससे ज्यादा बेचने, उसको उससे ज्यादा बेचने, ये जो सर्कल है ये बना दिया गया है कि इसी से लक्ष्य पूरा होगा और वाहवाही किसकी होगी, सरकार की होगी। केंद्र सरकार ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, फलाने ने किया, ढिमकाने ने किया, ये सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन उस गरीब की मजबूरी कोई नहीं समझेगा जिसके घर का राशन छीन लिया गया इसलिए क्योंकि उसने तिरंगा नहीं लिया, और उसने तिरंगा इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तिरंगा ले सके। मजबूरी में वो राशन खरीदता है, मजबूरी में उसको ये पैसे देने पड़ते हैं, कहां से वो लाता है पैसे इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है आजकल सरकार की नजरों में कि वो पैसे कहां से ला रहा है, कैसे वो दो वक्त की रोटी जो है खा रहा है, या कुछ लोगों के घर में सिर्फ एक वक्त की ही रोटी मिलती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उससे फर्क पड़ता है जब सरकार को कोई फायदा हो रहा होता है, सरकार की योजना से उसकी वाहवाही हो रही होती है और आप उसमें भागीदारी करते हैं तो आपसे थालियां बजवाई जाती हैं, आपसे ड्रम बजवाए जाएंगे, आपसे पता नहीं और क्या क्या बजवाया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपका नाम और निशान कहीं नहीं होगा, आपकी मजबूरी समझने के लिए कोई नहीं आएगा। और ये पूरा वीडियो जो आपने देखा है ये वीडियो आपको बयां कर देगा कि किस तरह से लोगों की मजबूरी हो गई है आज तिरंगा खरीदना, जिन्होंने नहीं खरीदा उनके घर अब चूल्हा नहीं जलेगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालिए ताकि ये जो सच्चाई है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। जय हिंद।